सही बात है कि साउथ कश्मीर में पहला ये रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल की पहला मीटिंग है। तो आपने भी देखा काफ़ी बहुत सारे लोग आए थे इसमें शरीक होने और अपना प्रॉब्लम्स को सुनाने और उसकी रिड्रेसल सीख करने के लिए। जब हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं, मेरे ख्याल में ये दूसरा मेरा स्टेप है या दूसरा एपिसोड है जहाँ पे पहले श्रीनगर जम्मू में हम करते थे, तो ये दूसरा स्टेप है। तो इसमें लोग तो आते ही हैं, आपने तो देखा उसमें, और मसाइल जो है बड़े तरह तरह की है, वैरायटीज़ है, चीटिंग की है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस की भी है, ज़मीन को लेकर वो भी हैं। तो बड़े वाइड रेंज की प्रॉब्लम्स है उसमें, कई सारे प्रॉब्लम्स खाली पुलिस को नहीं बिलोंग करता है। जैसे मैंने कहीं और भी किसी और जगह में भी बताया था कि ये सब ऐसे पेचीदे मसले हैं जहाँ पे पाटली वो पुलिस और पाटली क्रिमिनल है और पाटली सिविल है, तो उसको उसके बीच में भी लोगों के लिए तो क्राइम और सिविल अलग अलग नहीं है, उनके लिए तो एक मसाइल है। तो उसको मद्देनज़र रख के किस तरीके से उनकी मदद करें, क्योंकि उनको तो ये तो नहीं है कि साहब मेरे सर में दर्द है तो बाएं वाला जो है डॉक्टर अलग है और दाएं वाला डॉक्टर अलग है, वो हम समझते हैं। तो उसको लेकर हम किस कोशिश करेंगे, हम अपना नेक नियत से अपने पुलिस के अहलकारों के तहत उनके साथ कानून के दायरे में रह के उनकी मदद करने के लिए। जी, अब आपने इससे हट के जैसे वो कहा था कि एक और सवाल अलग से हम एड्रेस करेंगे, नहीं ठीक है, इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल में है। और आपने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सिक्योरिटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की और एक सड़क के ऊपर दुकानों में, स्कूलों में, बिजनेसेस में एक ऑर्डर, उसको लेकर जो चैलेंज है वो हमने, हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है। अब दो चार टेररिस्ट्स बाहर से आकर ये एक नया चैलेंज हमारे लिए ज़रूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके चोरी छिपे आके यहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल ख़राब करने की जो कोशिश करते हैं वो एक चैलेंज ज़रूर है, पर हम इसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो है इनमें शामिल नहीं है या कम है, चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है, उसको हम माइंड में रख के हम कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है। देखो ना, एक हिसाब से आपने, मैं जो जवाब दिया आपको वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लागू होता है। मैंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरीबन 90% बाहर है। बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर का नहीं है, बाहर का बंदा है, पाकिस्तानी है, और वो वहाँ से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से गड्ढे के नीचे से खोद के टनल से आता है और आके यहाँ पे जब हमसे लड़ता है तो वो एक अलग चैलेंज है। अब उनकी तादाद कम है पर वो एक, अब क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से करना वो चैलेंज है, राजौरी पुंछ में भी है, कुछ हद तक यहाँ पे भी है। हम इस पे काबू इसलिए पाने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि धीरे धीरे माहौल जब बदलता जाएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आवाम ही उनको पकड़ के देगा। थैंक यू सर।